जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर नवीन सर आ चुके हैं, नवीन सर से अभी बात और मेरा रिक्वेस्ट है भाई सरकार, खासकर के चेयरमैन सर को मैं प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इन लोगों की बातों को आप इग्नोर ना करें और इन लोगों की बात को आप सुने समझें और इन लोगों को एक बार मौका दें। जैसा कि देखते हैं हमारे पास अब नवीन सर पहुंच गए, हम नवीन सर से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लगभग हम 40 से 50 हजार छात्र इससे हम परेशान हैं, हम लोगों की बात सुनी जाए और हम लोगों का डिमांड, वाजिब डिमांड मांग लिया जाए। आप जब नोटिफिकेशन निकालते हैं, नोटिफिकेशन में जब ये परेशानी लगातार बनी रहती है, आप देखे होंगे कि इससे पहले दरोगा वैकेंसी में भी ये परेशानी थी, आप इसको स्पष्ट क्यों नहीं लिखते हैं मोटे अक्षरों में कि कब से कब कब तक का एनसीएल हमको ईडब्ल्यूएस चाहिए? अगर इस तरह का आप लिख दिए रहते तो क्या ये बच्चे आपकी बात नहीं मानते? तो आपसे रिक्वेस्ट है, करबद्ध प्रार्थना है कि इन बच्चों की मांग को सुनी जाए और इनको अलाउ किया जाए एनसीएल ईडब्ल्यूएस। अभी हम लोगों का ये आंदोलन शाम तक सर, इतनी बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ आए हुए हैं, कोई भी सरकार कैसे इतनी बड़ी संख्या को इग्नोर कर सकती है? इसलिए हम हाथ बच्चों ने भी दिखा दिया निश्चित रूप से, और इसलिए हाथ जोड़ करके सरकार से हम प्रार्थना करते हैं, खास करके माननीय चेयरमैन महोदय से, ये आप ही लोग के बच्चे हैं, ये बाहर से आए हुए अभ्यर्थी नहीं है, ये बिहार के अलग अलग जिले से वैसे अभ्यर्थी है जो एकदम साधारण परिवार के बच्चे हैं, इनकी रोजी रोटी, परिवार का भविष्य, इनका भविष्य सब इसी पर टिका हुआ है। इसलिए इन बच्चों को एक बार मौका दिया जाए और इन लोगों को आगे के लिए प्रोसीड किया जाए, इन लोगों को अलाउ किया जाए जिससे कि ये बच्चे अपना भविष्य एक बेहतर दिशा में ले जा सके। लगातार आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि नवीन सर ने अपना बात को रखा है, हम अभी बातचीत करने का प्रयास करेंगे रहमान सर के पास, ठीक है ना? और रहमान सर क्या बोलना चाहते हैं? वीडियो को रोक रोक में देखिए, यहाँ पर प्रदीप सर क्या से लग रहा है सर, आज शाम तक मामला सुलझेगा? मामला शाम तक सुलझेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, मामला तो सुलझना ही चाहिए, बच्चों का देख रहे हैं, परेशानी देख रहे हैं, आयोग मान जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है आयोग मान जाएंगे और शाम तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए कि भाई जो भाई फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। आप प्रदीप सर ने सर 4 दिन से लगातार बच्चे आंदोलन कर रहे हैं सर, इनका मतलब संविधान का वो फिजिकल, मतलब कि फिजिकल इसके कारण दिक्कत में भी सर छूट रहा लगातार, तो क्या इस मतलब बहुत नुकसान हो रहा है बच्चों का? तो है ही, एनर्जी सारा तरह जा रहा है, क्या होगा, ना इधर करा रहे ना उधर करा, रिजल्ट आने के बाद भी क्या होगा? जिसका नहीं रिजल्ट आया तो कोई बात नहीं, जिसका रिजल्ट आया उसका क्या होगा? लेकिन हौसला बना के रखेंगे, आपकी मांग जायज है, आपकी मांग संवैधानिक मांग है और मांग पूरा होगी। हमारे पास अब देख रहे हैं कि जैसा कि रहमान सर भी उपस्थित था, मिलते क्या से लग रहा है सर, क्या बात मानेगा आयोग? निश्चित रूप से एनसीएल एडमिशन का जो विवाद है, उस विवाद में पुनः 4-5 दिन लगातार धरना स्थल पर लोग बैठे और आज फिर एक जन सैलाब के रूप में एनसीएल एडमिशन का विवाद है, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप जन संवाद यात्रा में आज निकलने वाले हैं तो जन संवाद हमारे भाई बहन, छोटे भाई बहन को जो गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं, एक बार उनके तरफ भी देख लीजिए, 21,000 पदों की वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है और 1,00,000 परीक्षार्थी पास कर गए, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात घूम रही है कि एनसीएल एडमिशन का विवाद है, उसको आगे न बढ़ाया जाए, तत्काल प्रभाव से नया सर्टिफिकेट जो है लागू करने का आदेश सीएसपीसी जारी करे, अगर आप जारी नहीं करते हैं तो आंदोलन लगातार बढ़ेगा, हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। रहमान सर हमारे पास मौजूद, रहमान सर से बातचीत करना चाहता हूँ, देखते हैं मनवा लेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री से, 2000% तभी छोड़ेंगे, केवल लड़के अहिंसात्मक रूप से बैठे रहेंगे तो मैं मांग मनवा लूंगा अपने नीतीश कुमार से, क्योंकि इनमें 60% लड़कियां हैं, 11 ट्रांसजेंडर है और इसके मसीहा है माननीय मुख्यमंत्री, तो निश्चित रूप से इस छोटी सी डिमांड को भी पूरा वही करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आंदोलन का आखिरी दिन है, लग रहा है कि आखिरी दिन आज ही फैसला हो जाएगा सोल्व, आज ही फैसला हो जाएगा आंदोलन का, अब 2-4 दिन और नहीं चलेगा, कोई आखिरी दिन निर्धारित नहीं होता है, जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा, लेकिन पूर्ण अहिंसात्मक। सीएसबी
के मुद्दा खत्म हो गया, उसने दस पॉइंट कर दिया। हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री से डिमांड, हम लोग उपस्थित सर साहब तो लग रहा है मामला सोल्व हो जाएगा, आज हो जाएगा, आज यही होगा तो यहीं तक खड़ा रहा जाएगा, ये बैठा जाएगा, रात बिताया जाएगा, भूख हड़ताल भी किया जाएगा, भूख हड़ताल। अमित त्रिवेदी ने अपना स्टाफ बात क्लियरली बोला है और बोले कि भूख हड़ताल पर भी जाएंगे अगर जो मामला को सॉल्व नहीं हुआ। अभी कुछ और बच्चे से बातचीत करने का प्रयास करेगा, उनसे जानेगा कि आखिर क्या होगा। रहिएगा हुए मैम, क्या लग रहा है कि आज आपका सीएसबीसी बात मानेगा? मानेंगे ही, हम लोग इतना कर रहे हैं, मानेंगे ही, उम्मीद है मानेंगे। तो क्या लग रहा है कि मतलब कि अगर जो नहीं माना सीएसबीसी बात तो यहीं पर बैठे हुए रहेगा? यहीं बैठे रहेंगे, जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम लोग यहीं बैठे। गर्दनी बाग में लगातार धरना जारी रहेगा? हाँ जारी रहेगा। मतलब क्या आप लोग क्या चाहते हैं कि कितना जल्दी माने, क्योंकि इससे तो फिजिकल का भी बर्बादी। हम लोग चाहते हैं कि मान जाए, आज ही मान जाए, क्योंकि लड़का लोग को 9 से स्टार्ट है, उन लोग कितना प्रॉब्लम होता होगा समझ सकते हैं ना। वो लोग छटने के लिए तैयार है क्योंकि 9 तारीख को उन लोग को है, ठीक है। आज कितना हो गया, 2 हो गया है, टाइम हम लोग के पास कहाँ है, है ना। बस हम लोग चाहते हैं कि जल्दी मान जाए। जैसा कि इनका साफ करना और भी कुछ बच्चा हम देख रहे हैं कि आप गया से आए हैं, गया में भी आपका इंटरव्यू लिए थे, तो क्या लग रहा है कि गया से आप लोग चलकर लड़कियां भी देख सकते हैं कि पहुंच रहे हैं और इनका साफ मांगे सीएसबीसी मानना ही पड़ेगा, क्या लग रहा है सीएसबीसी बात मानेगा? हाँ, हम लोग तो यही कोशिश कर रहे हैं और हम सीएसबीसी चेयरमैन से अनुरोध करना चाहते हैं कि कृपया आके हमारी बात को सुने और इस पे अपना समर्थ करें। अगर नहीं माना इनिशियल डब्ल्यू के लिए सीएसबीसी तो आप लोग धरना पे ऐसे ही बैठे हुए रहिएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बैठे रहेंगे, यही सोच के हम लोग आए हैं इतने दूर से। सभी लोग गया से आए हैं, देख सकते हैं कि गया से भी लड़कियां आए और जो भी बच्चे कंबल में उड़ के देख रहे हैं जल्दी से जल्दी गर्दनी बाग अभी भी पहुंचे, क्योंकि सीएसबीसी ने साफ नोटिस जारी कर दिया था और उसमें उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि हम नहीं मानेंगे अगर जो आप लोग संख्या नहीं दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि लड़कियां का भी संख्या हर एक जिला से बढ़ा है और यहाँ पर हम गया जिला से इनका पहले भी इंटरव्यू लिया तो इसीलिए हम इनके पास आए क्योंकि देखे वो चेहरा था। तो क्या लग रहा है कि आज शाम तक मामला सुलझ जाएगा या यहीं बैठे हुए रहेगा? सर उनको संख्या चाहिए तो आज देख ले आके, इतने सारे संख्या में बच्चे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और सीएसपी सर को तो यही मानना चाहिए, उनको तो नोटिस जारी करने के पहले आप नोटिफिकेशन में क्यों नहीं ये बात लिखे दे, नोटिफिकेशन में लिख देते तो यहाँ आज बच्चे इतने दिन से परेशान नहीं होते, धूप में बिना खाए पिए यहाँ पड़े हुए हैं। देख सकते हैं कि अभी का समय 12:30 हुआ और हमें अनुरोध है सभी सीएसबीसी से कि सर जल्दी से जल्दी मामला को सुलझाए क्योंकि इनको फिजिकल का भी समय कम मिलेगा, 7-8 दिन का वक्त है। तो अभी और से बात करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि अभी क्या चल रहा है। रुक, छात्र नेता किशोर कुमार जी और इनसे हम बातचीत अभी करने का प्रयास करेंगे। सर क्या लग रहा है? रुके। अभी देख सकते हैं कि कितनी संख्याओं में यहाँ पर भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं और कितने स्टूडेंट मौजूद है, कितने स्टूडेंट यहाँ पर उपस्थित है आप लोग क्लियरली देख सकते हैं और कितनी भीड़ है गर्दनी बाग में। आज धरना के लिए बहुत सारे बच्चे उपस्थित हैं और हम अभी और कुछ लड़कों से बातचीत करेंगे, प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है। रुकिए, बहुत सारे लड़के भी उपस्थित है, पूरा फोकस, बहुत सारे लड़के भी उपस्थित है और आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर स्थिति बन चुकी है। और हम अभी कुछ लड़के से बातचीत करना चाहते हैं कि क्या भूखे प्यासे लोग रखे, क्या से लग रहा है आज मामला सुलझेगा? क्या मामला सुलझेगा लग रहा है आपको शाम तक? देखिए क्या होता है, लग तो रहा है कि सुलझ जाएगा, बच्चे हैं, सर लोग बिसाते रहे हैं, सभी शिक्षक लोग उपस्थित हो चुके हैं, लग रहा है ना कि शाम? सर रोशन सर, खान सर का वेट है, अगर वो आ जाएंगे तो कंफर्म पक्का हो जाएगा। खान सर का वेट है, मतलब सभी बच्चों का, खान सर का भी? यस सर, अगर रोशन सर और खान सर आ गए, अगर जो नहीं माना सीएसबीसी तो ऐसे ही नहीं जगह पड़े हुए। यस, एकदम डटे रहेंगे सब बच्चे, एकदम डटे हुए। यस सर, एकदम डटे रहेंगे। देखिए यहाँ पर भीड़ आप लोग देख सकते हैं सभी बच्चों की और आप लोग देख सकते हैं कि कितने लोग की यहाँ पर भीड़ है। ठीक है, आप लोग ऐसे ही मैंने के लिए रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।